Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the Commerce Paper 2, and we are going to discuss which kind of questions are important, what kind of questions would be expected in the paper. A full module wise revision hum karne wale hai ki kaun se questions pe aapko last moment mein dhyan dena hai. तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा, एज वेल एज आपके एग्जाम से रिलेटेड लास्ट मिनट प्रिपरेशंस के वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके प्रिपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है. तो कॉमर्स पेपर टू का जो पेपर है उसमें ओवरऑल देखा जाए तो चार मॉड्यूल्स है. तो अभी चार मॉड्यूल्स के बारे में ही हम बात करने वाले हैं. मॉड्यूल नंबर वन की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल नंबर वन है कंसेप्ट ऑफ सर्विसेज. तो कंसेप्ट ऑफ सर्विसेज से अगर हम देखें तो तीन क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक क्वेश्चन सर्विस के ऊपर होगा, एक क्वेश्चन मार्केटिंग मिक्स के ऊपर होगा, और एक क्वेश्चन सर्विस स्ट्रैटेजीज के ऊपर होगा. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वन क्वेश्चन विल बी ऑन सर्विसेज, सर्विसेज पे क्वेश्चन, जैसे डिफाइन सर्विस, एक्सप्लेन द फीचर्स, डिफाइन सर्विस, एक्सप्लेन द स्कोप, टाइप्स ऑफ सर्विसेज है या इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो ओवरऑल सर्विसेज रिलेटेड ये सारी पॉइंट्स आप पढ़ के रखें. मार्केटिंग मिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, और एक प्रोसेस ऑफ सर्विसेज के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछा गया है. फिर मॉड्यूल नंबर टू की अगर हम बात करें, मॉड्यूल नंबर टू पूरा डिटेल करता है, रिलेट करता है रिटेलिंग के साथ. तो इसमें अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन, रिटेल फॉर्मेट और रिटेल सिनेरियो, इन तीन चीजों पे क्वेश्चन है. तो उसके बेसिस पे स्टोर एंड नॉन स्टोर फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिटेल काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया है. एफ डी आई इन रिटेल वो भी पढ़ के रखे. मॉल मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो मॉल मैनेजमेंट है, रिटेल फ्रेंचाइजिंग है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो स्टोर और नॉन स्टोर फॉर्मेट दोनों पढ़ के रखे, दोनों में से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा. बट आप अगर दोनों के दोनों चीजें कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिटेलिंग जो मॉड्यूल है उसमें इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस हर साल पूछे, सो यू शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दिस फैक्टर. अगर एफ डी आई इन रिटेल क्वेश्चन में नहीं आया तो नीचे शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है. हम लास्ट में शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस बेस पे आपको शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. तो दैट वॉज फ्रॉम द मॉड्यूल नंबर सेकेंड. लेट अस कम टू द मॉड्यूल नंबर थ्री. मॉड्यूल नंबर थ्री इज रीसेंट ट्रेंड्स इन द सर्विस सेक्टर. काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. इसमें अगर देखा जाए तो तीन सेक्टर्स है, आईटी सेक्टर है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, और लॉजिस्टिक्स है. तो आईटी सेक्टर में से बीपीओ, केपीओ, एलपीओ पढ़ के ही रखिए, उस पे से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है. इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर, डेबिट कार्ड के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्वेश्चंस पढ़ के रखे. लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, इंपॉर्टेंस है, चैलेंजेस है, वो पढ़ के रखे. फिर ईआरपी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मॉड्यूल नंबर थ्री काफी इजी है. इसमें बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आप अगर ओवरव्यू भी लेके गए तो आप अपने ओन बेसिस पे इस पे पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग क्या है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं. तो उसी के बेसिस पे आप ये मॉड्यूल नंबर थ्री को प्रिपेयर कर सकते हो, रीसेंट ट्रेंड्स इन द सर्विस सेक्टर. तो वी हैव थ्री सर्विस सेक्टर्स ओवर हियर, दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड आईटी विद लॉजिस्टिक्स आल्सो. तो मॉड्यूल नंबर फोर की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल नंबर फोर है ई कॉमर्स के ऊपर. तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, ई कॉमर्स का स्कोप पढ़ना है, ई कॉमर्स के फंक्शंस पढ़ने हैं, ई कॉमर्स के टाइप्स भी पढ़ने, काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछा गया है टाइप्स के ऊपर. स्कोप और फंक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ओवरऑल अगर लास्ट मोमेंट में आप कुछ प्रिपरेशंस करने का सोच रहे हो कि कौन से क्वेश्चंस पढ़े, कौन से क्वेश्चंस स्किप कर दे, तो दिस क्वेश्चंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो ई कॉमर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फिर प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे चैलेंजेस फॉर द इंडियन कंपनीज, ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. तो ओवरऑल अगर मॉड्यूल नंबर फोर की हम बात करें तो मॉड्यूल नंबर फोर ओवरऑल घुमा फिरा के ई कॉमर्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आ सकता है. अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करें तो कौन से शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं जो आपके पेपर के बेसिस पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. सो कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ लिखे हैं. कभी कभी ऊपर के क्वेश्चंस को नीचे शॉर्ट नोट में डाला जाता है, शॉर्ट नोट्स को ऊपर के क्वेश्चन में शिफ्ट किया जाता है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है,
ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स पढ़ के रखे, फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स पढ़ के रखे, मार्केटिंग रिसर्च पढ़ के रखे, रिटेल फ्रेंचाइजिंग पढ़ के रखे, ये सारे शॉर्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से दो या तीन हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप इतने भी पॉइंट्स को लास्ट मोमेंट में रिवाइज करेंगे तो आपका जो कॉम टू का जो पेपर है वो काफ़ी इजी जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगा। दैट्स दिस वाज अ वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो। एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर, विश यू ऑल द बेस्ट।